हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, इस 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल सीरीज में आज हम लोग देखने वाले विंच डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ 4000 केल्विन इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज लाई, मतलब लैम्डा मैक्स किस रीजन में लाई कर रहा है। ओके, बी का वैल्यू दिया है। चलो तो गिवन डेटा लिखते हैं, इससे इजी न्यूमेरिकल नहीं होगा, बस आपको वैल्यू का रेंज पता होना चाहिए, इंफ्रारेड का कितना है या अल्ट्रावायलेट का कितना है, विजिबल का कितना है, एक्सरे का कितना है, ऐसे इस टाइप में। 4000 केल्विन, देन बी मतलब विंस कॉन्स्टेंट का वैल्यू है 2.897 × 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, हमें फाइंड करना है लैम्डा मैक्स। ओके, ये तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर? लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू होता है बी डिवाइडेड बाय टी। ओके चलो, तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। लैम्डा मैक्स हो जाएगा 2.897 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4000। अच्छा, और इजी कर दूं क्वेश्चन को तो आपको लॉग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। 10⁻³ 4000 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻³ और वो 3 ऊपर आ जाएगा, सो इट विल बिकम 10⁻³ और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बचेगा 4 का टेबल हमें आता है। यहाँ पे 0.28 हो गया, 4 7 28, 4 2 8, 17 4 4 16 प्लस 10, ये आया आपका 0.7242 × 10⁻⁶। ओके, इसे और कैसे लिखा जा सकता है पता है? इसे हम लोग और लिख सकते हैं 7, ये तो आपका जो आया ना, तो ये आया आपका मीटर में लैम्डा मैक्स। आंसर गलत नहीं है, इसे 10⁻⁴ लिख दो तो −6 −4 −10, मतलब इजीली आपको ये मिलेगा एंगस्ट्रॉम के अंदर। ओके, और आपको रेंज पता होना चाहिए, दिस लाइज इन कौन से रेंज में? यस करेक्ट, ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। दिस लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से रीजन में लाई कर रहा है, तो उम्मीद है आपको वो पता होगा। नहीं पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वो वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि ट्रिक कैसे है याद रखने के लिए वो सब रेंजेस। तो चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।